हेलो गाइस, मैं आज आपको वी शेप कटिंग बताऊंगी। मेरे ये क्लाइंट्स के बाल बहुत ही लाइट हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप वी में नहीं बताऊंगी, बिल्कुल लाइट सा वी करूंगी इनका। थोड़ा सा इनको चेंज चाहिए और आगे से मैं इनकी कटिंग थोड़ी सी दूंगी। तो गाइस, ये पहले हम अपने सीज़र से पहले लेयर्स दे देंगे, फिर उसी गाइडलाइन से हम शेप देते चले जाएंगे। पहली गाइडलाइन हो गई मेरी तैयार, अब हम मैं उसी से वी शेप, इनको पूरा फुल वी शेप नहीं दूंगी क्योंकि इनके बाल बहुत ही लाइट हैं, तो हम हल्का सा ही शेप देंगे। उसी गाइडलाइन से फिर मैं ट्रिम करूंगी बालों को, फिर थोड़े से बाल ले लेंगे इधर के इस तरह से, फिर हम इक्वल नहीं करेंगे, थोड़ा सा शेप देंगे इस तरह से। फिर हम फ्रंट का करेंगे, इसमें हम थोड़ा सीजर को अपनी तिरछी लेंगे क्योंकि हल्का आगे से लेयर्स दे रहे हैं हम। लेयर्स देंगे तभी वी शेप आएगा। अभी हम फ्रंट में इनका लुक चेंज करवाना है इनको, तो हम फ्रंट से थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए शॉर्ट कर देंगे थोड़े हेयर इनको। वन साइड कटिंग चाहिए तो हम वन साइड ही थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। ये लाइट भी आ गया है, फुल भी तो नहीं कहेंगे इसको, पर ये बाल लाइट है, हेयर ठीक लग रहा है। अब हम इनमें आगे से थोड़े से कुछ चेंज करने के लिए इसमें हम हल्का सा स्टेप्स दे देंगे। तो इसके लिए गाइस हम फ्रंट की तरफ इसमें भी मिड से लेके गाइडलाइन बनाएंगे, हम इसको कट ऐसे इस तरह से एक्स्ट्रा बाल हम निकाल देंगे, फिर और उठाएंगे और ऐसे करते, फिर हम थोड़ा थोड़ा बाल लेते जाएंगे और लेंगे नीचे से हेयर्स लेके, फिर हम इसको उसी गाइडलाइन से कटिंग करते जाएंगे और हम इसको देख लेंगे। ये इतना बहुत इजी है, आप घर पर भी आसानी से ही कर सकते हो, किसी का भी करना हो तो आप कर सकते हो। अब हम बिल्कुल स्ट्रेट लेके जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे इस तरह से। तो ये इनका साइड कटिंग हो गया, लेयर्स विद साइड कट हो गया है, खूबसूरत लग रहा है। गाइज, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर।